लैटिन अमेरिका के सबसे शांत देशों में शुमार चिली की राजधानी में रविवार को सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से नाराज नागरिकों की भीड़ ने राजधानी सैंटियागो के मेट्रो स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर बसों और कारों को आग लगा दी। सरकार की ओर से स्थिति नियंत्रित करने के लिए रविवार दोपहर सैंटियागो में कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया, लेकिन हिंसा नहीं रोकी जा सकी। आपातकाल की स्थिति के दौरान सुरक्षा व्यवस्था देख रहे आर्मी जनरल जेवियर इटोरियागा ने कहा, स्थिति का आकलन करते हुए और भयावह घटना पर गौर करते हुए मैंने पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। युवा प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को कई स्थानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और रॉयट पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप, नेताओं को जनता की फिक्र नहीं। रविवार की सुबह हजारों लोगों ने सैंटियागो और अन्य शहरों में बर्तन बजाते हुए विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। हालांकि दोपहर तक प्लाजा इटालिया और फ्राइडे वॉयलेंस के ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेता जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं और वास्तविकताओं से मुंह मोड़ रहे हैं। मेट्रो किराए में बढ़ोतरी के बाद नाराज हुए नागरिक, स्थानीय मीडिया के अनुसार लोगों की नाराजगी मेट्रो किराए में बढ़ोतरी के बाद अधिक बढ़ गई थी। इस सप्ताह पीक आवर्स में मेट्रो का किराया बढ़ाकर 800 से 830 पेसों चिली की मुद्रा कर दिया गया है। इससे पूर्व जनवरी में भी मेट्रो किराए में 20 पेसों की बढ़ोतरी की गई थी। नाराज लोगों द्वारा कई मेट्रो स्टेशनों पर तोड़फोड़ करने और आग लगाने के बाद राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने किराए में बढ़ोतरी वापस लेने की घोषणा की थी।